नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि DMLT फर्स्ट ईयर, DMLT सेकंड ईयर दोनों ही क्लासेस आपका अपना YouTube चैनल और आपके अपने सर एसके सर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी रेगुलरली। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हेमेटोलॉजी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको रूटीन में भी बहुत ही ज्यादा काम आता है। जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनमें हर जगह पर आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ESR की। दोस्तों ESR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन। सो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ESR के बारे में। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। आइए सबसे पहले देखते हैं इस ESR का मीन क्या होता है। इसका होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं अपन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके अंदर अपन इरिथ्रोसाइट की फॉलिंग रेट निकालते हैं, सेडिमेंट की रेट निकालते हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी के अंदर तलछट की रेट निकालते हैं। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो जो भी आएंगे उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों फिर से मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि DMLT सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पैथोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। उस एक वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, उनके लिए आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो हमारी क्लासेस ले सकें और कुछ ना कुछ फायदा ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं ESR, आज का टॉपिक है अपना ESR। फटाफट से देखते हैं इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को। चलिए दोस्तों देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, यहां मेथड्स लिखा हुआ है और यहां आपको दिख रहा होगा एक लिखा हुआ है बेस्टर ग्रीन और एक है दोस्तों विंट्रो। ये दोस्तों ESR को परफॉर्म करने के दो मेथड्स होते हैं। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों वेस्टर ग्रीन मेथड के बारे में। वेस्टर ग्रीन को आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन विंट्रो मेथड को पढ़ेंगे। ये दो मेथड से अपन उपयोग में ले सकते हैं, वेस्टर ग्रीन और विंट्रो। देखिए दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। चेंज होती है तो क्या होती है दोस्तों, इसकी ट्यूब चेंज हो जाती है। यानी कि वेस्टर ग्रीन के अंदर जो अपन मेथड यूज में लेते हैं वेस्टर ग्रीन मेथड, इससे अगर अपन ESR निकालते हैं तो दोस्तों वेस्टर ग्रीन पिपेट या वेस्टर ग्रीन ट्यूब लेते हैं। और यदि अपन विंट्रोप मेथड से अपन ESR को काउंट करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर अपन विंट्रोप ट्यूब या विंट्रोप पिपेट का यूज करते हैं। आप इसको फटाफट से लिखना चाहे लिख लें, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों वेस्टर ग्रीन मेथड इसका किस प्रकार से अपन परफॉर्म करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों वेस्टर ग्रीन मेथड को अपन सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों इस वेस्टर ग्रीन मेथड को परफॉर्म अपन इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से, इन 6 पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और ये परफॉर्म होता जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका अपन प्रिंसिपल देखेंगे कि किस बेस पे काम करेगा। उसके बाद में दोस्तों हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट देखेंगे कि वेस्टर ग्रीन मेथड से ESR अपन जब काउंट करते हैं तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे स्पेसिमेन कैसा चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रोसीजर की, प्रोसीजर क्या होगा और नॉर्मल रेंज क्या होगी और प्रिकॉजिशंस क्या होंगे, यानी हमें इसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। फटाफट से आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। फर्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे दोस्तों प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे पहला इसके अंदर जो अपन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों इसका प्रिंसिपल, ये किस बेस पे काम करता है, क्या इसका सिद्धांत है। यानी कि अपन बात कहें, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन इसके प्रोसीजर को मिनिमाइज करके अपन यहां इसका प्रिंसिपल बना देते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑन लेटिंग, इसको अपन लेटिंग करेंगे, ऑन लेटिंग द ब्लड स्टैंड, जो ब्लड आया है उसको अपने खड़ा करना है, स्टैंड इन अ वर्टिकल ट्यूब, एक वर्टिकल ट्यूब के अंदर हमें इसको क्या करना है दोस्तों, खड़ा करना है, यानी कि इसमें इसको सक करना है। ब्लड सेल्स सेटल डाउन, और जो इसकी जो ब्लड सेल्स होंगी वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे इसके किस में दोस्तों, बॉटम में। बॉटम में क्या होने लग जाएंगी, सेटल डाउन इन द बॉटम, इट दिस इज कॉल्ड ESR, यानी कि इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, इसे अपन ESR कहते हैं। फटाफट से इसे लिखें, आप देख लें एक बार और समझ लें क्या होता है
कि एक वर्टिकल ट्यूब लेंगे दोस्तों। वर्टिकल ट्यूब लेने के बाद में इसे अपन स्टैंड कर देंगे, इसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसे स्टैंड करेंगे दोस्तों कि इसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये लिखा है ऑन लेटिंग द ब्लड स्टैंड, लेटिंग द ब्लड स्टैंड इन द वर्टिकल ट्यूब ब्लड सेल सेटल डाउन। और क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो इसकी ब्लड सेल्स होती हैं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देती हैं और दिस इज कॉल्ड ESR। इसे अपन क्या कहते हैं, एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं दोस्तों इसकी अपन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी हमने बात किया था अपने प्रिंसिपल के बारे में कि बेस्टोग्रीन जो मेथड है वो किस प्रकार से काम होता है। अब देखिए इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी बेस्टोग्रीन पिपेट की, ब्लड का सैंपल आ जाएगा। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि बेस्टोग्रीन पिपेट चाहिए हमें। बेस्टोग्रीन पिपेट की बात करें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको लेबोरेटरीज के अंदर रखा हुआ मिलेगा बेस्टोग्रीन पिपेट। ये दोस्तों दोनों एंड से तो खुली हुई होती है, ठीक है ना। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। इस ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो 2.5 mm होता है और इसके लोअर में जो मार्क होता है वो 20 सेंटीमीटर या फिर 200 mm होता है और अपर पार्ट जो होता है इसका वो इसकी मार्किंग होती है 0। ये दोस्तों वेस्टोग्रीन पिपेट के बारे में बात हो रही है। वेस्टोग्रीन मेथड में वेस्टोग्रीन पिपेट यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ESR स्टैंड। ESR स्टैंड होता है वो अपन यूज में लेंगे। ESR पंप यानी कि इसके अंदर हमें जो ब्लड को सक करना है वो एक पंप के माध्यम से करते हैं, वो चाहिए। टाइमर चाहिए क्योंकि 1 आवर में अपन इसकी क्या देते हैं दोस्तों, रीडिंग देते हैं। तो इसीलिए हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइमर की जरूरत पड़ेगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है दोस्तों स्पेसिमेन का, कि अपन इसके अंदर कौन सा स्पेसिमेन यूज करेंगे, यानी कि जो ब्लड होगा वो अपना कौन सी वायल के अंदर होना चाहिए। तो वो दोस्तों होना चाहिए अपना सोडियम साइट्रेटेड ब्लड, ठीक है ना दोस्तों। सोडियम साइट्रेटेड क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि सोडियम साइट्रेटेड एंटीकोगुलेंट से भरा हुआ क्या होना चाहिए, स्पेसिमेन होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें फटाफट से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रकार से अपन ESR को परफॉर्म करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। थोड़ा सा इसको पहले समझेंगे, उसके बाद में इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज में आपको यहां लिखाऊंगा। आइए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो ट्यूब है, अपनी जो वेस्टोग्रीन ट्यूब कह दें या फिर वेस्टोग्रीन पिपेट कह दें, उसको लेना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में क्या है, इसके ऊपर ESR पंप को लगाना है, ठीक है। ESR पंप लगाने के बाद में जो हमारे पास में ब्लड गिवन है, जिसका हमें ESR लगाना है, इसको क्या करना है, इसके अंदर डालना है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अपना पंप लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर डालने के बाद में जो जीरो मार्किंग लगी हुई है, हमें वहां तक क्या करना है, ब्लड को क्या करना है दोस्तों, सक करना है, ठीक है ना। इसको सक करने के बाद में एक स्टैंड होता है इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का स्टैंड होता है, कुछ देखिए थोड़ा सा समझें, इस प्रकार का। इसमें क्या है, इस ट्यूब को वर्टिकली स्टैंड कर देना है हमें, ठीक है ना। और टाइमर को क्या कर देना है, ऑन कर देना है, टाइमर को ऑन कर देना है। और 1 आवर के बाद में इसके अंदर जहां तक इसका जो अपना ब्लड सेल्स जहां तक फॉल होती हैं, उसको हमें क्या कर देना है दोस्तों, नोट कर लेना है। और ये होता है इसका प्रोसीजर। इसको लिखना चाहें या फिर इसको बनाना चाहें तो बना लें। नेक्स्ट आपको इसकी मैं लैंग्वेज लिखा देता हूं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी दोस्तों हमने समझा था इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं। ये इसकी प्रॉपर लैंग्वेज है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल द ब्लड, हमें ब्लड को फिल करना है वेस्टोग्रीन ट्यूब या फिर वेस्टोग्रीन पिपेट के अंदर। और कहां तक फिल करना है, 0 mark तक, ठीक है ना दोस्तों, टू 0 mark, 0 mark तक हमें फिल कर लेना है। एक बार दोबारा देख लें, इस प्रकार की वेस्टोग्रीन ट्यूब होती है, यहां 20 या 200 mm या इसको सेंटीमीटर, यहां 0, ये दोनों एंड से खुली हुई होती है। यहां हमें अपना पंप लगाना है, पंप, और पंप की सहायता से जो हमें ब्लड दिया हुआ है उसको क्या करना है, सक करना है, कहां तक, 0 mark तक, यहां तक ही करना है, ज्यादा नहीं लेना है। देखिए ब्लड ले लिया हमने वेस्टोग्रीन पिपेट के अंदर दोस्तों, फिक्स द ट्यूब टू द
क्वांटिटी ब्लड, जितना हमें क्वांटिटी दी गई है उतने क्वांटिटी पर हमें ब्लड को ट्यूब के अंदर फिक्स कर देना है, लेट इट स्टैंड वर्टिकल विदाउट डिस्टरबेंस। और हमें इसको क्या करना है, स्टैंड कर देना है वर्टिकली, यानी कि लंबवत, किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस इसको नहीं होना चाहिए, ये हल्ली डुल्ली नहीं चाहिए, ये जैसे वर्टिकली स्टैंड है वैसे ही इसे वर्टिकली स्टैंड करना है। उसके बाद में लीव दिस सिस्टम फॉर 1 आवर, यहां हमें इसको स्टैंड करने के बाद पहले इसको फिल करेंगे 0 मार्क तक, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 0 तक ही लेना है। इसको फिल करने के बाद में इसे ESR जो स्टैंड होता है उसके अंदर इसे वर्टिकली स्टैंड करेंगे और उसके बाद में सिस्टम को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे टाइमर को ऑन करके। उसके बाद में नोट द लेवल, उसके बाद में हमें वो लेवल को नोट करना है विद द रेड सेल्स कॉलम, जो रेड सेल्स का जो कॉलम है हैज फॉलन एट द एंड ऑफ 1 आवर, यानी 1 आवर को कंप्लीट करते हुए उसको कितना रेड सेल्स कहां तक डाउन हुई है वो उस वाली वैल्यू को नोट करना है, और वो होता है दोस्तों इसका ESR रेट। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में दोस्तों इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं, इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए देखिए दोस्तों, ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर 2 पॉइंट रह रहे हैं, उनको देखें। नॉर्मल रेंज इसकी मेल के अंदर तो दोस्तों 0 से 15 mm पर हावर होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई मेल आपके लिए मेल सैंपल जो आया है उसके अंदर अपन जो देखते हैं वो होता है 0 to 15 mm पर हावर, यानी ESR का जो रेट है वो इसके बिटवीन आना चाहिए। और दोस्तों फीमेल्स के अंदर देखते हैं 0 to 20 mm पर हावर, ये फीमेल्स के अंदर इसका बिटवीन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों प्रिकॉशन, यानी होता है दोस्तों हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट होता है कि जो ट्यूब है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ढंग से साफ होनी चाहिए अंडर टैप वाटर के अंदर, ठीक है। रिन डिस्टिल वाटर से भी उनको साफ कर देना चाहिए। ड्राई इट इंक्यूबेट बिटवीन द 40 to 50 degrees centigrade और 40 से 50 degrees centigrade के अंदर हमें इसको क्या करना चाहिए, इंक्यूबेट करके इसको ड्राई करना चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और उस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे विंड्रॉप मेथड से ESR को काउंट करना। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।